नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम है रविंदर और दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जियोपोज लाइट एप्लीकेशन लॉगिन नहीं हो रहा है। दोस्तों यदि आप एक जियोपोज लाइट के रिटेलर हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये किस कारण से हुआ है और आप इसका सलूशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो में बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और यदि आप YouTube चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप फटाफट वहाँ पर क्लिक करें और ज्वाइन हो जाएं हमारी टेलीग्राम की फैमिली में भी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जितने भी रिटेलर भाई हैं, ये प्रॉब्लम जब से आना स्टार्ट हुआ है, जब से उन्होंने अपने जियोपोज लाइट को अपडेट किया है, और अपडेट मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब वो अपने जियोपोज लाइट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद जब वो अपना अपना जियो का लापू नंबर वहाँ पर दर्ज करते हैं और सेंड ओटीपी कर देते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ओटीपी आ जाता है और ओटीपी को जब वो वहाँ पर दर्ज करते हैं तो ओटीपी सक्सेसफुल हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो ओपन होने की जगह वहाँ से पेज बैक हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे पहले भी कमेंट आ रहे थे कि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जियोपोज लाइट लॉगिन एरर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ नई ही फिल्म में यानी नई कमेंट की आ रही थी कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, डायरेक्ट पेज बैक हो रहा है। तो मैंने जब उसके बारे में दो चार कॉमेंट थी तो मैंने उनको जवाब दे दिया कि ये कर लो, तो उन्होंने कहा कि सर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने उसको थोड़ा गहराई से लिया और उसके सलूशन में मैं लग गया। दिक्कत क्या होती है कि लोग बाग पूरा वीडियो तो देखते नहीं है, वह थोड़ा सा देखा और बैक हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो आपको कम्प्लीटली देख लेना चाहिए यदि आपके काम का वीडियो है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है यदि काम का भी नहीं है तो भी दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए, कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है जियोपोज प्लस में या जियोपोज लाइट में। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले इसका कारण तो मैंने आपको बता दी कि जियोपोज लाइट अपडेट हुआ तो उसके बाद से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब मैंने इसके बारे में खोजबीन स्टार्ट करी, सबसे पहले मैंने कस्टमर केयर के पास कॉल किया और उनसे पूछा कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने मुझे जानते हो क्या जवाब दिया, हमारे पास जियोपोज लाइट रिटेलर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जियोपोज लाइट के, अब 20 लाख रिटेलर हो चुके हैं जियोपोज लाइट के और उसका कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर ही नहीं है। मैंने कहा खैर छोड़ो। मैंने उससे पूछा कि समस्या का समाधान कहाँ पर होगा। उन्होंने सीधा बताया जियो स्टोर जाएं और अपनी समस्या का समाधान वहाँ पे करा लें। मैंने कहा यार ऐसा तो कोई फ़ायदा नहीं रहा, जितने हमारे भाई हमसे जुड़े हुए हैं यदि उनको इस प्रकार से एक समस्या आ जाती है तो हर चीज़ के लिए वो जियो स्टोर थोड़ी भगेंगे। अब किसी के यहाँ से 50 किलोमीटर दूर 40 किलोमीटर दूर हुआ वो तो आने जाने में ही अपनी कमाई गंवा देगा जियो स्टोर पर जियोपोज लाइट की प्रॉब्लम को लेकर। तो खैर छोड़ो दोस्तों, अब हम आते हैं सीधा टॉपिक पर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इसका समस्या का समाधान कैसे करा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना, जियोपोज लाइट या जियोपोज प्लस को यूज करते समय आपको हमेशा अपना जियो का ही नेट यूज करना है और ध्यान रखना है कि आपकी जो जियो की स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी दोस्तों ये नहीं कोई और भी प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों ये हो गया, और एक चीज़ का ख्याल ध्यान रखें कि आपका जो स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए और साथ के साथ ये भी ध्यान रखना कि आपका जो एप्लीकेशन हमेशा अपडेट होना चाहिए। ये नहीं कि जियो प्ले स्टोर में देखें एक बार जाके कि आपका जियोपोज लाइट एप्लीकेशन अपडेट तो नहीं मांग रहा है, आपके मोबाइल का टाइम फिक्स ठीक है या नहीं। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखें कि यहाँ पर यदि आपके मोबाइल में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करें कि अपना किसी भी फ्रेंड का मोबाइल एक बार जियोपोज लाइट एप्लीकेशन को उसमें डाउनलोड करें और अपने लापू नंबर से उसे लॉगिन करके देख सकते हैं। दोस्तों ये तब भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में जो भी जियोपोज लाइट एप्लीकेशन है उसको डिलीट करें और फिर से नया डाउनलोड करें और लॉगिन करके देखें। दोस्तों ये तब भी आपका जियोपोज लाइट एप्लीकेशन आपका लॉगिन ना हो तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ इसका सलूशन। यहाँ पर दोस्तों यदि आपके वहाँ पर मोबाइल में प्रॉब्लम है तो आप दूसरे मोबाइल में चेक कर सकते हो, यदि इंटरनेट ख़राब है आपका जियो का तो आप किसी भी दूसरी सिम का वाईफाई लेके हॉटस्पॉट ऑन करवा के अपने मोबाइल में वाईफाई जोड़ के एक बार देख सकते हैं। अब ये तो हो गया दोस्तों, अब ये सब जब भी ये प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, मैं एक बार खुद से भी चेक करके देख सकता हूँ कि आपके जियोपोज लापू में दिक्कत है या आपके एरिया में दिक्कत है या आपके मोबाइल में दिक्कत है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे जियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा फेसबुक पेज का, तो वहाँ पर क्लिक करें और जो वहाँ पर जो है आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों वहाँ पर मैसेज बॉक्स होगा फेसबुक पेज का, आप वहाँ पर जाकर मैसेज छोड़ें कि सर मेरा जियोपोज लाइट जो है लॉगिन नहीं हो रहा है और मेरा लापू नंबर ये है। मैं आपको दोस्तों कॉल करूँगा
और यहाँ पर मैं आपकी जो भी समस्या होगी फ़ोन के जरिए मैं एक बार चेक कर लूँगा कि आपका जियो पोज लाइट में वाकई में कोई प्रॉब्लम आ रही है या दोस्तों वो आपके आपके क्षेत्र में आ रही है या हर क्षेत्र में वो लॉगिन होने में प्रॉब्लम कर रहा है। तो दोस्तों नीचे जरूर जाना, यदि आपको जियो पोज लाइट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप फेसबुक पेज पर भी मुझसे मैसेज के जरिए जुड़ सकते हैं। मैं दोस्तों जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, रात को 9 बजे या 10 बजे मैं आपका खुद चेक कर लूँगा कि आपके जियो पोज लाइट में कोई प्रॉब्लम आ रही है या ये टेक्निकल एक एरर के रूप में आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएँ, लिंक मिल जाएगा, क्लिक करें और ज्वाइन हो जाए फेसबुक पेज पर भी। तो दोस्तों चलिए मैं आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आए, तो मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।